नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में नशेड़ी दूल्हे से शादी करने से दुल्हन ने इनकार कर दिया। बीते दिनों रीवा शहर के समान इलाके के गुलाब नगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन में धूमधाम से बारात की एंट्री हुई, लेकिन इस बारात में दूल्हा भयंकर नशे में था, जिसे देख दुल्हन नाराज हो गई और शादी करने से मना कर दिया। बता दें कि शादी में दूल्हा ही शराब पीकर बारात लेकर पहुंचा। दूल्हे की हरकत हर कोई देख रहा था और जब जयमाल में दूल्हा लड़खड़ाने लगा तो इसे देख पता चला कि दूल्हा शराब के नशे में है और इसी नशे में उसने जमकर उत्पात भी मचाया, जिसे देख दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। इस पूरी घटना के बाद दूल्हे पक्ष के लोगों ने लड़की के घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की पक्ष ने एक नहीं सुनी और अब लड़की पक्ष वाले शादी में हुए खर्च लगभग 5 लाख रुपए की रकम भी वापस मांग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शादी में लड़की वालों के साथ धोखा भी हुआ। दूल्हे का नाम पीयूष मिश्रा बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि 5 साल पहले सतना जिले में दूल्हे की शादी हो गई थी और अब चोरी छिपे वह दूसरी शादी कर रहा था, यानी दूल्हा और उसका पूरा परिवार झूठ बोलकर यह शादी रचा रहा था, लेकिन नशे में आए दूल्हे ने अपना ही पूरा भांडा फोड़ कर दिया और सच उजागर हो गया। अब लड़की पक्ष खर्च हुए पैसों की मांग कर रहे हैं। बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति मंच संयोजक हूं मैं। क्या घटना हुई इस बारात घर पे? नशे के दुष्परिणाम से जो है उसका जीता जाता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा हुए, आप भी इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं, तो जो नगद खर्चे थे उस पर दोनों पक्षों की सहमत हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ। परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया, मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी साहब। कहाँ के रहने वाले थे लड़की पक्ष? हैं पहिल पार के शिक्षक हैं और लड़का पक्ष हैं सूरा के, रीवा नेहरू नगर में घर बना है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वो पिछला वर्ग किसी विभाग से, लेक सभ्य समाज और सभ्य लोग हैं, लेकिन लड़का जो है नशे का ऐसा आदी है कि शादी जैसे जो पवित्र बंधन का दिन था उस दिन भी वो नशे की लत से बाहर नहीं आ सका, जिसके कारण ये घटना हुई है और नशे का दुष्परिणाम जैसा अगस्त क्रांति मंच निरंतर बताता आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम सब जनजागरण चलाए हैं, आप मीडिया के साथियों के साथ भी मिलके उसका दुष्परिणाम यहाँ दिखा है। लेकिन आज की घटना में लड़की पक्ष को जो न्याय मिला है उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आप मीडिया के साथियों को पता चला वो भी तत्काल पहुंच गए और सबका उद्देश्य था कि लड़की के जो परिजन हैं और जो उन्होंने नगद दिया है वो राशि उनको मिल जाए, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी यहाँ पहुंची, पुलिस को सूचना दी गई थी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस का भी ये था कि अगर आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो आगे केस नहीं, और दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है और जो लड़की पक्ष ने सामान दिया था वो और जो उनका नगद राशि थी वो भी देने को तैयार हो गए हैं। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पी हुए था, अभद्रता कर रहा था, उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। अब वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कम्प्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवता नहीं कर रहे। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश थे? निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है।
रीवा राजनिवास रेप कांड एक ऐसा मामला जिसमें प्रदेश भर में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए। सर्किट हाउस में हुए रेप कांड के बाद आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर विरोध जारी है। आज रीवा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने राजनिवास कांड को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सभी मुख्य 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से इस घटना में प्रशासन की तरफ से व जनप्रतिनिधियों की तरफ से सहयोग मिलने की बात उजागर हुई वह निंदाजनक है। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से यह कहा कि आरोपी महंत को बुलवाकर शहर में पोस्टर लगवाने वाले बिल्डर पर कार्यवाही हो, दोषी जनप्रतिनिधियों पर कार्यवाही हो जिनकी अनुशंसा से कमरा अपराधी के नाम अलॉट किया गया, रूम अलॉट करने वाले SDM को हटाया जाए, इसके अलावा थानों और चौकियों में पुलिस बल की पदस्थापना और शहर के थाना प्रभारियों को ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रभारियों को शहर में पदस्थापना किए जाने की भी मांग ज्ञापन पत्र के माध्यम से की गई है। धरना दिया जा रहा है, क्या मांग है? ये यहाँ पर जो है राजनिवास को लेकर जिस प्रकार को शुरू से राजनिवास के मामले को लेकर 29 तारीख को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर सारे अपराधियों का नाम बताया गया था, षड्यंत्र तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, उस पर जो है लगातार कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से लोगों को अंदर लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी राजनिवास के कमरे को बुक करना, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कमरा किसके नाम से बुक हो रहा है, ये सुनिश्चित होना चाहिए था कि भले ऊपर का मंत्री आपका प्रभारी मंत्री जिसको जानकारी अनुसार मेरे जानकारी अनुसार प्रभारी मंत्री या फिर कोई यहाँ का जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जो अगर भले आपको प्रेस किया जा रहा था, लेकिन किसी अपराधी के नाम पे कमरा बुक नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद बुक हुआ। हम लोग के द्वारा लास्ट टाइम पे भी एक महीने पहले, आज से ठीक एक महीने पहले 10 तारीख को यहाँ से जो है राजेंद्र शुक्ला जी का घेराव करने गए थे हम लोग और उस पर हम लोग की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद प्रशासन मिस्टर पुष्प DM रीवा ये बहुत खेत के साथ मैं कहना चाहूँ, मैं प्रमोद शर्मा इस बात को कहना चाहता हूँ कि एक महीने बाद भी आप उस निर्णय पर नहीं पहुँच पाए जो कि आपके पास टेबल पर रखा हुआ है, एक नज़र पे आप देख सकते थे कि इसका जो है जिम्मेदार व्यक्ति आपका SDM है, उनको निलंबन की कार्रवाई आपने नहीं की और उस बात को फिर से शर्मिंदा करते हुए नैतिकता पर राह पे अपनी नौकरी करें, अपने जमीर को देखकर नौकरी करें, इस बात की गुहार लगाते हुए हम सभी लोग एक बार इस 48 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ पर आपके सामने बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि आप जो हैं तत्काल जो हैं इस संबंधित SDM जिसने बुक किया और रीवा की जनता चाहती है कि आप इसको बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब 4 CC कोरेक्स की गिरफ्तारी पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो प्रशासन का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे क्यों नहीं हुआ? इस बात को लेकर नैतिकता के साथ में हम सभी लोग टैक्स पे ही लोग हैं जिनके द्वारा आपको पुष्प जी आपको तनख्वाह मिलती है, प्रशासन तनख्वाह मिलती है, जिस बेटी के साथ में कांड हुआ उसके परिवार की तरफ से और समस्त रीवा की जनता की तरफ से हम लोग यहाँ पर गुहार लगाते बैठे हुए इस बात के लिए कि आज जो है इसको सार्वजनिक करने की जरूरत है, बताएं, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग को जो है कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से हम लोग कानून व्यवस्था को बहुत मानते हैं उसको न मानने के लिए हम लोग मजबूर होंगे और आज हम लोग इसी बात के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि यहाँ पर जो है तत्काल इसको जो है इनका निलंबन किया जाए। ये हमारे लोग को जो है 8 सूत्री मांगे हम लोगों ने रखी हैं और ये जो है हम लोगों ने बताया हुआ है, इस मांग को लेकर हम यहाँ पर नैतिकता के आधार पर बैठे हुए हैं। नाम और पद बताइए। मैं प्रमोद शर्मा, जिलाध्यक्ष ग्रामीण आम आदमी पार्टी रीवा। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के शासकीय मार्तन उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में जिला शिक्षा विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में प्रणवी सूची पर नाम दर्ज किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि उन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की है की होगी जिन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया, इसलिए उनका सम्मान करना ज़रूरी है, साथ ही साथ उनके अभिभावकों का भी सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। बता दें, इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, सह शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे। आज ये मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? इसके कुल मिलाकर के 2 भाग हैं। एक भाग है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक तौर पर बहुत मेहनत की होगी और उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, समर्पण है,
और जिसका फल उन्होंने प्राप्त किया तो न केवल उनके अभिभावक माता पिता को मिला बल्कि रीवा जिले की जनता को मिला। इसलिए उनका हर हालत में प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साह वर्धन करना चाहिए, एक उद्देश्य है इसका। दूसरा भाग उसका ये है कि कई स्कूलों के भीतर से लाख प्रयास के बाद भी बच्चे यदि प्रावीण्य सूची में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम हमारे प्राचार्यों को, हमारे गुरुजनों को, आचार्यों को देख करके लगेगा, क्योंकि जब वो प्राचार का भी देख रहे थे, स्कूल से संबंधित प्राचार का सम्मान देख रहे थे, उनके मन में भी एक कंपटीशन की भावना आएगी। और ये हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, वो भी प्रतिस्पर्धी बने और अपने बच्चों को वहाँ से भी वो मेरिट मिलाने का, ये कुल मिलाकर के दो उद्देश्य था जिसके लिए आयोजन किया है। सीधी जिले के कई ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर अभी भी अपने जड़े जमाए हुए हैं। बीते दिनों ही जिले के सिहावल तहसील अंतर्गत एक मामला सामने आया था जहां बीमार होने पर एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद आशा जताई जा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों को लेकर अब सतर्क हो जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश झोला छाप डॉक्टर बिना किसी जानकारी के गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज करते हैं, जिससे कई बार मरीज की हालत और अधिक खराब हो जाती है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात तो कह रहा है, लेकिन जिले में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं जहाँ ऐसे तथाकथित डॉक्टर बिना किसी दुरुस्त जानकारी के धड़ल्ले से लोगों का इलाज करते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिले के सिहावल तहसील अंतर्गत युवती की हुई मृत्यु पर झोला छाप डॉक्टर पर लगे संगीन आरोपों पर सिहावल बीएमओ जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सर, भी हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया था आपके ग्राम अमरपुर में, झोला छाप डॉक्टर के दवाई करने की वजह से मरीज की मौत हो गई थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? देखिए, वो जो है पुलिस प्रकरण हुआ है, अभी जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने क्या दवाई किया था क्या नहीं किया था, जाँच चल रही है। जाँच के बाद अगर ऐसा प्रकाश में आएगा कि उसके इलाज करने के दौरान उसकी मौत हुई है या उसके इलाज करने से मौत हुई है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ इस भीषण गर्मी में कई गांव पानी की बूंद बूंद के लिए कोसों दूर जा रहे हैं, वहीं कुछ जगहों पर सरकार के लोगों के ही द्वारा पानी के स्रोतों को बंद करने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सुहागपुर क्षेत्र के शारदा ओपन माइंड से सामने आया। शहडोल जिले के नगर परिषद बकहू में शारदा ओपन कास्ट, जो कई वर्षों पहले ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण कर कोयला निकालने का काम किया, कोयला निकालने के बाद उस जगह में पानी का भराव हो गया। उस पानी का उपयोग ग्रामीण व जानवर करने लगे। इस पानी का उपयोग आज तक ग्रामीण करते रहे, पर प्रशासन ने इस पानी के डैम को हिंदुस्तान पावर कंपनी से फ्लाई स्काई के द्वारा इसे समतिकरण करने का निर्देश दे दिया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। नगर परिषद बकहू के वार्ड क्रमांक 1 और 2 के ग्रामीणों ने बताया कि आज हम इस डैम के पानी का कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा इसे समतिकरण करने का कार्य किया जा रहा है। अगर यह डैम समीकरण हो गया तो ग्रामीणों को पानी कहाँ से मिलेगा? इस भीषण गर्मी में जानवरों को पानी पीने तक को नसीब नहीं होगा। अगर इस डैम का समतिकरण हुआ तो प्रशासन हमें नया डैम, पानी का डैम बना कर दे और शारदा माइंस में शारदा माइन प्रबंधक के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आप लोग आज यहां पर अनशन में क्यों बैठे हैं और इतनी संख्या में क्यों भीड़ लगाए हैं ग्रामीणों ने, ये थोड़ा सा बताएं। हम लोग इसलिए इस अनशन में बैठे हैं कि आज से 7-8 साल पहले ये माइन चल के बंद हो गया। इसमें पानी का स्टोर बना हुआ है और इसमें सभी लोग, जानवर, आदमी, पूरे गांव के लोग हमारा निस्तार है। और जब इसको मशीन जब चलने लगा यहाँ, तो हमने मैनेजमेंट से ये पूछे कि साहब यहाँ आप पियाव जल को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? उनका कहना है मैनेजमेंट का कि इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोगों ने आवेदन दिया है कि इसको हमको समतिकरण करना है। तो हमने कहा कि भाई अगर माइन अगर चलाना है तो आप माइन चलाइए, आप मना नहीं कर रहे हैं। अगर समतिकरण आपको करना है तो पियाव जल को हम गांव के निवासियों को हम पानी स्टोर ख़त्म नहीं करने देंगे। और जब आदमी हमारे जात प्रजात जब ख़त्म हो जाते हैं तो घाट नहाने के लिए हमारा एक यही एक जरिया है और सारे आदमी इसमें नहाते हैं, जानवर इसमें सारे पानी पीते हैं। अगर इस डैम का पानी ख़त्म हो जाएगा फिलिंग होने से, तो हमारे यहाँ के आदमी जन पानी बिना तरह तरह हो जाएगा। कौन से प्रबंधक को आपने सिखाया? मैंने घोष शारदा उसीम प्रबंधक को मैंने कहा। चलिए, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कहाँ के हैं आप? बकहो। अगली खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले में खुलेआम शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। किराना सामान की तरह बाइक पर लोगों की डिमांड पर घर घर देशी विदेशी शराब
पहुंचाई जा रही है। शराब की होम डिलीवरी पर विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री मनीषा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि इसे नहीं रोका गया तो जरूरत पड़ने पर विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के अलग अलग हिस्से में कई शराब ठेकेदारों ने शराब का ठेका ले रखा है और सुबह होते ही नियम विरुद्ध बाइक में शराब बाइक या अन्य वाहनों में लोड करके लोगों के घर पहुंचाते हैं। जिला मुख्यालय समेत जिले के बुढ़ार व्रत अंतर्गत बुढ़ार धनपुरी बुढ़ार अमलई में शराब ठेकेदार द्वारा देशी शराब से नियम विरुद्ध अंग्रेजी शराब की बिक्री की जा रही है। इतना ही नहीं, ठेकेदार के इशारे पर उनके कर्मचारियों द्वारा खुलेआम बाइक में घर घर शराब पहुंचाई जा रही है। वहीं जिले में नियम विरुद्ध कई पैकारी संचालित हैं। शराब दुकान के अलावा गली गली किराना दुकानों में शराब की बिक्री भी हो रही है, जिससे युवा वर्ग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। इस बात को लेकर कुछ युवाओं ने इसका जमकर विरोध करते हुए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बाइक में घर घर शराब पहुंचा रहे शराब ठेकेदार के कर्मचारियों का कहना है कि वे ठेकेदार के कहने पर घर घर बाइक में शराब पहुंचा रहे हैं, इससे उनका कोई दोष नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में जिला आबकारी अधिकारी सतीश कश्यप व आबकारी व्रत बुढ़ार उप निरीक्षक सुनील सिंह चंदेल कुछ भी कहने से बच रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी कमी उजागर होने के बाद से मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मैडम, जहाँ एक और जो है ये शराब को लेकर राजनीति भी हो रही है, राजनीति गरमाई हुई, वहीं दूसरी ओर जो है अपने ज़िले में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही, होम डिलीवरी घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में आप क्या कहना है और इसमें आपकी क्या पहल है? इसमें निश्चित यह बहुत गंभीर मामला है। यह शराब जो घर घर डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जहाँ भी दुकान खोलने का आपका रजिस्ट्रेशन है, वहीं पर आप खोलिए। लेकिन यह बहुत ही गलत बात है कि हमारे ज़िले में इस तरह से होम डिलीवरी हो रहा है। निश्चित ही हमारा क्षेत्र कोयलांचल क्षेत्र है, यहाँ पर हर व्यक्ति मजदूरी से जुड़ा हुआ है और वह दिन भर काम करके पैसे कमाता है। अगर इस तरह से कृत्य होंगे तो निश्चित हमारे लोग इसे प्रभावित होंगे और हमारा परिवार जो है मजदूर भाइयों का, वह बहुत ही कष्ट में रहेगा। इसके लिए मैं अपने शहडोल जिले के कलेक्टर से बात करती हूँ कि इसको इस बात को संज्ञान मिले और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें कि इस तरह के ठेकेदार अगर हमारे ज़िले में काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र का भविष्य निश्चित ही बहुत गंभीर होगा। इसके लिए जल्द से जल्द निराकरण करें, इसके लिए अधिकारियों से मैं बात करूँगी। विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, चूँकि बड़ा मामला इसमें देखेंगे जब विधानसभा हमारा सत्र आएगा। तो अगर यह मामला नहीं सुलझ पाता है, अभी हमारे प्रयास से अगर नहीं सुलझ पाता तो निश्चित ही हम इसमें गंभीरता से विधानसभा में बात करेंगे। दुकान में माल गया था, दुकान में पैकारी चला रहे हो तो घर घर पहुँचा रहे हो? सेठ लोग पहुँचा, सेठ लोग देश से तो पहुँचाते हैं हम लोग। कौन से सेठ का? अच्छा, तो क्या कहना उनका, घर घर पहुँचाओ? अब हमको देखिए दो दिन हुआ है, हमको कुछ जानकारी नहीं उनसे। ठेकेदार का क्या नाम है तुम्हारे? पंकज सिंह। क्या बोले वो? हमको कुछ नहीं जानकारी, हमको दुकान वाले दिए हैं, मैं लेके आया हूँ। तो कहाँ घर घर देते हो ना? घर यही ढाबा है, ढाबा ढाबा घर घर पहुँचाते हो। सिंगरौली जिले में संचालित NCL की कोयला खदानों में स्थानीय नेताओं और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। कंपनी पर दबाव बनाने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हैं। ऐसा ही मामला आया है सामने रविवार की देर रात, जहां कंपनी और स्थानीय नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में चार लोग घायल हो गए। सिंगरौली जिले में संचालित कोयला खदान में आउटसोर्सिंग का काम करने वाली कंपनी PC पटेल के कर्मचारियों के साथ नवानगर इलाके में देर रात बीच सड़क पर गाली गलौज और मारपीट हुई। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेता आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर अपने आदमियों को काम पर लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। कंपनी ने जब ऐसा करने से इनकार कर दिया तो इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और इसके परिणाम स्वरूप बीती रात नवानगर में कंपनी के कर्मचारियों की गाड़ी रोककर आधा दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में कंपनी के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। इस बीच करणी सेना भी इस वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हो गई और उन्होंने खुलकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कंपनी को सुरक्षा देने के बड़े बोल डाले और पुलिस ने दोनों तरफ से मामला कायम कर लिया है और जाँच कर रही है। प्रकरण ये है, दिनांक 6/5 को अंजनी जायसवाल कुछ काम मांगने के सिलसिले में उनके कैंप में गया हुआ था। उस बात पे किसी बात को लेकर इनका झगड़ा व विवाद हुआ था। आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच की जा रही थी। आज दिनांक को करीब 6:30 बजे अंजनी जायसवाल
आके यह बताया कि वह जा रहा था अपने मामा के यहाँ कोई गमी के सिलसिले में, वहाँ अमलोरी पुल के ऊपर ये लोग मिले और इन लोगों ने उसी झगड़ा को लेकर रोका और मारपीट किया है। दोनों तरफ से झगड़ा होने की पुष्टि हुई, जिस पर दोनों तरफ से अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। दोनों पक्षों को प्रतिबंधित किया है कि किसी प्रकार का भविष्य में झगड़ा ना करें और विधिवत विधि सम्मत कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट पर अंजनी जायसवाल, उसके भाई सुजीत जायसवाल एवं दो अन्य के विरुद्ध 341, 294, 323, 506, 34 कायम किया गया है और अंजनी की रिपोर्ट पर विश्वजीत सिंह, गब्बू सिंह और अन्य दो के खिलाफ 341, 294, 323, 506 कायम किया। सर, इस पे गोली चलाने की भी बात आ रही सामने, फायर अब इसकी जांच की जाएगी, जो वो बता रहे हैं उस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। सिंगरौली जिले के भाजपा नेता एवं निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के सगे भाइयों पर शराब की दुकान में पैसे के लेन देन को लेकर दुकान के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। पूरा मामला सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना बैठन का है, जहां देर रात नगर निगम अध्यक्ष के भाई छोटेलाल विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा अपने एक साथी के साथ शराब की दुकान में बियर खरीदने गया। इसी दौरान एमआरपी से ज़्यादा पैसे लेने का आरोप लगाते हुए पैसा वापस करने की मांग कर रहे थे, तभी शराब की दुकान सेल्समैन पैसा वापस नहीं कर रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और शराब दुकान कई कर्मचारियों ने लाठी डंडा रॉड से बबलू विश्वकर्मा पर हमला बोल दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस में फरियादी की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध करते हुए बैठन के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमार कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर पुलिस के जांच अधिकारी उदय करिहार ने बताया कि इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। कल रात्रि करीब 9:30 बजे के लगभग फरियादी छोटेलाल विश्वकर्मा अपने भाई के साथ आया था। ये बताया कि शराब लेने के लिए गए थे और शराब के पैसे लेन देन के संबंध में विवाद हुआ था, जिस पर शराब के भट्टी के जो कर्मचारी हैं सेल्समैन, उसके बाद दो और आदमी डंडे से मारपीट किए थे, चोट लगा था उसको, चोट आया था, जिस पर उसके सूचना में छोटेलाल विश्वकर्मा की सूचना में जो सेल्समैन है तो उसके और आदमी विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 307, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको मेडिकल के लिए छोटेलाल फरियादी को भेजा गया है। सब पीड़ित की स्थिति अभी क्या है? अभी तो समान है फिलहाल। हाँ, आरोपियों की पता तलाश लगातार की जा रही है, कुछ फरार हैं, कुछ एक आध दो पकड़ाए भी गए हैं। ये तो विवेचना के विषय है, विवेचना के दौरान आएगा क्या किस बात को लेकर लड़ाई हुआ था, क्या रहा है, हमारे पास फुटेज भी है जिसको देखा। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर सतना जिले में युवा शंखनाद होने जा रहा है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष मशहूद अहमद सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें बताया गया कि प्रदेश भर में व्यापक घोटाले, पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता, आदिवासियों के साथ हो रही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं, साथ ही आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए जाने, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सैनिक भर्ती न निकाले जाने, MPPSC, पुरानी पेंशन बहाली और ऐसे तमाम मुद्दे जिससे प्रदेश की जनता परेशान है, उन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। सतना जिले के हर विधानसभा से 100 युवा कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी को सौंपी गई है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।